राहुल जी ने सीधा सवाल पूछा है अडानी पर कि उस सेल कंपनियों से 20,000 करोड़ रुपए कहां से आए और उसके कारण से राहुल जी की आवाज बंद करने के लिए सारा कुछ जो कवायद किया जा रहा है जिसको, लेकिन सच को दबाया नहीं जा सकता और राहुल गांधी जी ने स्पष्ट कर दिया है कि उसे चाहे जेल में डाल दें, चाहे सदस्यता रद्द कर दें, चाहे कुछ कर लें, लेकिन सच के लिए वो लड़ते रहेंगे। बिल्कुल लोकतंत्र के लिए लड़ेंगे, देश के लिए लड़ेंगे राहुल जी। जी ओबीसी का अपमान किया है। अच्छा, नीरव मोदी कौन से ओबीसी है भाई? ललित मोदी कौन से ओबीसी हैं जिसके बारे में बात कर रहे हैं? ओबीसी का अपमान तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, जातिगत जनगणना नहीं करा रही, लोग मांग कर रहे हैं, पूरे प्रदेशों में नगरीय निकाय चुनाव नहीं हो रहे हैं क्योंकि ओबीसी जनगणना नहीं है। छत्तीसगढ़ में ओबीसी का मतलब आरक्षण के बिल हमने पास कर दिया, लागू नहीं होने दे रहे हैं, तो ओबीसी का अपमान कौन कर रहा है? और रमन सिंह जी जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी को, मुझे छोटा आदमी कहते हैं, मुझे कभी चूहा, बिल्ली, कुत्ता इन शब्दों से संबोधित करते हैं, मैं तो पिछड़े वर्ग से आता हूँ, तो अपमान कौन कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी, आप पूरे देश में जाके इस मसले पे सभाएं करने वाली, आप लोग कैसे करेंगे? ये बताने, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि नीरव मोदी और ललित मोदी पिछड़े वर्ग से आते हैं, ये बताएंगे? बघेल जी पूरा विपक्ष एकजुट हो रहा, चाहे आम आदमी पार्टी हो या कोई भी, राहुल जी ने सबके लिए धन्यवाद कहा है और सबको एक साथ आने की जो बात करी है उसका स्वागत उन्होंने किया।